मिर्ची बॉलीवुड। टेनी को हम घर पे लेके नहीं आ सकते, बिकॉज अगर वो घर पे आई तो उसको सब कुछ मतलब पता लग जाएगा, तो चौल लेके ही जाना पड़ेगा। लेकिन अब मन में बात ये आ रही है कि अगर उसको चौल में रखा तो कहीं ना कहीं चौल में इतने लोग हैं, कहीं ना कहीं गलती से ही बोल देगा उसकी पुरानी लाइफ के बारे में, जो कि हम नहीं चाहते, जो कि उसके दिमाग पर असर पड़ सकता है। सो दैट्स व्हाई शौरवरी ने डिसीजन लिया कि उसको घर लेके आएंगे। वो कैसे लेके आएंगे वो शौरवरी का डिसीजन है, मुझे भी नहीं पता। पर कितना कंफ्यूजिंग हो रहा है, यू नो, टेनी को संभाल पाना। बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, बहुत, क्योंकि हर एक स्टेप हमें बहुत बहुत ध्यान से लेना पड़ रहा है कि किसी भी चीज़ से टेनी को कुछ इफेक्ट ना पड़े। और जो जो हम स्टेप ले रहे हैं उसमें इतना सोचना पड़ रहा है कि मतलब टेनी ठीक रहे, उसके दिमाग पर भी असर ना पड़े। पर गिल्ट है काफ़ी कहीं ना कहीं पार्क और शौरवरी दोनों को, क्योंकि पार्क सुनकर के जो टेनी का रिएक्शन। हाँ, गिल्ट आई थिंक शौरवरी को ज़्यादा है कि उसको लग रहा है कि उसकी वजह से उसने बातें सुनी, उसकी वजह से वो गिरी। लेकिन एज पार्क, एज कंपोज मैन, वो शौरवरी को समझा रहा है कि बीती बातों को जो हुआ वो भूल जाओ और जो हमने आगे करना उसके बारे में सोचना है। ओके, लास्टली क्या ट्विस्ट आने वाले हैं तीनों का ये दिलचस्प रिश्ता, किस मोड़ पर क्या आने वाला है? थोड़ा ट्विस्ट तो इनफैक्ट अभी मैं भी नहीं बता सकता, बिकॉज मुझे भी खुद वो लग रहा है कि, लेकिन ये इतना ज़रूर है कि टेनी घर पे वापस आएगी किसी ना किसी तरफ, एंड हम कोशिश करेंगे कि टेनी की याददाश्त वापस आ जाए। अब याददाश्त आती है नहीं आती वापस, और वो कैसे पार्थ उसका ध्यान रखता है टेनी का, उस पर हम ट्रैक चलाने वाले हैं।